हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रॉयल आगरा उत्सव और मैं हूं आपका फ्रेंड उत्सव। तो दोस्तों, अभी हीरो स्प्लेंडर प्लस भारतीय बाजार में क्यूटर सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक है, ये तो आप सभी जानते हैं। बट अभी इसका BS6 वर्जन भी लॉन्च हो चुका है, यानी कि ये बाइक अब BS6 मानकों पर आ चुकी है मार्केट में। चलिए इसकी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अपने खास लुक और लो मेंटेनेंस और बेहतर माइलेज के चलते इस बाइक को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बहुत पसंद किया जाता है। नई स्प्लेंडर प्लस BS6 में कंपनी ने इंजन अपडेट के साथ ही कई बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने आखिरकार अपने सबसे ज्यादा लोकप्रिय कम्यूटर मोटरसाइकिल मॉडल स्प्लेंडर प्लस का नया BS6 वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस बाइक को 3 अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च कर रही है, जिसमें एलॉय व्हील्स के साथ किक स्टार्ट, एलॉय व्हील्स के साथ सेल्फ स्टार्ट और एलॉय व्हील्स के साथ i3S वेरिएंट भी शामिल हैं। इस बाइक के एलॉय व्हील्स के साथ किक स्टार्ट वेरिएंट की कीमत जो है वो है 59,600 रुपये। एलॉय व्हील्स के साथ सेल्फ स्टार्ट जो वेरिएंट है उसकी कीमत है 61,900 रुपये। और जो इस बाइक का टॉप मॉडल है यानी कि i3S वाला जो वर्जन है उसकी कीमत 63,110 रुपये है। और ये सारी जो कीमतें मैं आपको बता रहा हूँ ये दिल्ली में एक्स शोरूम कीमतें हैं। दोस्तों, पिछले BS4 मॉडल के मुकाबले नए मॉडल की कीमत में तकरीबन 10,000 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक में क्या क्या चेंजेस किए हैं कंपनी ने। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस के इस नए BS6 मॉडल में कंपनी ने ना केवल इंजन में बदलाव किया है बल्कि ग्राफिक्स और डिज़ाइन में भी काफ़ी परिवर्तन किया है, जो कि इसे पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग बनाता है। इस बाइक में कंपनी ने कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें खास एक्सेंस टेक्नोलॉजी का भी बखूबी प्रयोग किया है, जो कि इस बाइक के माइलेज और परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाता है। दोस्तों, इस बाइक में कंपनी ने 100cc की कैपेसिटी वाला इंजन यूज़ किया है, जो कि आपको 7.91 bhp की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि इसका पावर आउटपुट पिछले इंजन से कम हो गया है, इसकी पावर में 1.3 bhp की कमी देखने को मिली है। और इस बाइक में कंपनी ने 4 स्पीड गियर को भी शामिल किया है। इस अपडेट के अलावा कंपनी ने इस बाइक में नए पेंट स्कीम को भी शामिल किया है, यानी कि आप अगर देख रहे होंगे बाइक पे तो काफ़ी सारे आपको ग्राफिक्स जो है वो चेंजेस देखने को इसमें मिल जाएंगे। और न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस में कंपनी ने टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन और डुअल शॉक ऑब्जर्वर के साथ दोनों पहियों में ड्रम ब्रेक का भी इस्तेमाल किया है। नए इंजन अपडेट के साथ ही पिछले BS4 मॉडल के मुकाबले इस मॉडल का वजन भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इस बाइक में 11 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी वाला टैंक दिया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ चेंजेस हैं जो हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 वर्जन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वर्जन, ये वाला वर्जन इस बाइक का, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर